हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और एक्सेस के इस वीडियो में क्या सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कोई भी डेटा दूसरे टेबल से दूसरे टेबल में फेच करा सकते हैं। तो कैसे ये होगा आइए दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो 2021 है मेरे पास, इसी को ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू नजर आएगा, व्यू पे जाइएगा, डिजाइन व्यू पे आइएगा। डिजाइन व्यू पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ टेबल वन आ रहा है, कोई भी नाम यहाँ दे सकते हैं, चलिए टेबल वन ही रहने देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रोल अंडरस्कोर नंबर और यहाँ पे डेटा टाइप बदल देते हैं इसका। ये ऑटो नंबर ना रख करके हम क्या रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको करना है नेम ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, इसे भी शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे और दो तीन सब्जेक्ट का मार्क्स लेके आएंगे हम। तो ये कंप्यूटर हो गया और ये हो गया इंग्लिश, और फिर यहाँ पर एक और सब्जेक्ट डाल देते हैं लाइक मैथ्स, MATHS मैथ्स हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों ही आ गया, लेकिन डेटा टाइप चेंज करना होगा। यहाँ से जाकर के आप नंबर कर दीजिएगा, इसको भी आप क्या करेंगे नंबर कर देंगे, और इसको भी आप नंबर कर देंगे। इस तरीके से आपको तीनों को नंबर बना लेना है और यहाँ पर कर देना है टोटल, TOTAL टोटल कर देंगे। और टोटल करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आकर के और यहाँ से अब कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट कौन सा था, कंप्यूटर था, तो COMPUTER कंप्यूटर कर देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था, इंग्लिश था, ENGLISH इंग्लिश हो गया, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। और एट लास्ट मैथ्स था, तो यहाँ पे मैथ्स हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि ये तीनों को कैलकुलेट करके हमें दे देगा, यानी कि तीनों को ऐड करके हमें दे देगा। तो यहाँ पर अब रोल नंबर डालेंगे, जैसे रोल नंबर वन हो गया, नाम हो गया RAM राम, और यहाँ पे मार्क्स आएंगे। तो जो भी मार्क्स आए हुए हैं यहाँ पर आप डाल सकते हो, देखेंगे कि टोटल अपने आप होता चलेगा, ठीक है। तो ये डेटाबेस की खूबी है। आप देखिए यहाँ पर दूसरा ये डाल देता हूँ नाम, अवनीश करता हूँ एक नाम, और यहाँ पर जो भी इनके मार्क्स आए हैं वो मार्क्स यहाँ पर आपको फिल करने होंगे, टोटल अपने आप होता हुआ नजर आएगा। तो ये इस तरीके से हो जा रहा, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमारा अगला स्टेप है कि हम कैसे इसी टेबल से कोई डेटा फेच कराएंगे। फेच कराना हो तो कैसे करा सकते हैं, ये सवाल है, ठीक है। इस पहले टेबल को क्लोज करता हूँ सेव करके, और यहाँ से क्रिएट पे चलते हैं। क्रिएट पे जाने के बाद कहाँ जाना है, टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ व्यू नजर आएगा, व्यू पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर टेबल टू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आईडी आ रही है, लेकिन हमें यहाँ पे आईडी देना नहीं है, हमें यहाँ पे क्या देना है, रोल नंबर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा रोल नंबर, और रोल नंबर लिखने के बाद ये जो हमें डेटा है वो दूसरे टेबल से फेच कराना है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप ऑटो नंबर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, इसको मैं पहले कट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे देखिए रोल नंबर में मैं गैप दे दे रहा हूँ, वहां पे गैप नहीं था, ठीक है। फील्ड नेम लिखते समय थोड़ा सा सावधानी देना है, फील्ड नेम थोड़ा अलग तरीके से लिखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अंडरस्कोर लगा हुआ था, ठीक है, देखिए ये अंडरस्कोर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे तो बिना अंडरस्कोर के लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिख दिया, और क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे आप लुकअप विजार्ड पे जाएंगे। तो जैसे ही जाएंगे तो ये विंडो ओपन होगी। अब देखिए पहला वाला ऑप्शन कुछ और कह रहा है, कह रहा है आई वॉन्ट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी, और दूसरा वाला कह रहा है आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वॉन्ट। तो हमें पहला वाला ही तो चाहिए, हम किसी दूसरे टेबल से ये वैल्यू फेच कराना चाहते हैं, चाहे किसी दूसरे क्वेरी से फेच कराना चाहते हैं। तो यही वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रखते हुए क्या करना है, नेक्स्ट करना है, और हमारा टेबल वन से फेच कराना है तो टेबल वन को सेलेक्ट रखना है, एंटर यहाँ पे आगे करेंगे, एंटर करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ से रोल नंबर को चूज कर लेंगे, ठीक है। एक ही फील्ड चूज कीजिएगा, दो फील्ड मत चूज कीजिएगा, क्योंकि एक फील्ड इसमें हाइड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से जा करके, और ये देखिए ये रिलेशनशिप बन जाएगी। अब यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट को भी अगर आप फेच कराना चाहते हैं तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स में थोड़ा सा चेंजेस करिएगा, अंडरस्कोर मत लगाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर आकर के क्या करना है, यहाँ पर वापस से आप डेटा चाहे तो फेच करा सकते हैं, पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट करिएगा, टेबल वन ही रहेगा, और ये नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ से चाहे तो ले सकते हैं, तो ये ले लिया, आगे बढ़ेंगे और ये हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों ही चीजें दूसरे टेबल से फेच होके आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगले जो टेस्ट हुआ है उसका मार्क्स आप डाल सकते हैं, पहला टेस्ट हुआ तो उसका मार्क्स टेबल वन में रह गया, और दूसरा जो टेस्ट हुआ उसका मार्क्स जो है यहाँ पर रहेगा। तो ये इंग्लिश हो गया, और फिर यहाँ पे ENGLISH ये हो गया, और यहाँ पे मैथ्स MATHS तो ये हो गया। अब इन तीनों का डेटा टाइप बदलना है, तो नंबर 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 नहीं करेंगे तो ये फिर कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर कर लीजिएगा इसको, और ये करके यहाँ पे टोटल कर दीजिएगा, TOTAL टोटल हो गया। और यहाँ से क्या करना है आपको, कैलकुलेटेड लेना है, कैलकुलेटेड ले लिया, और यहाँ पर आकर के कंप्यूटर
प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे दे दीजिएगा और यहाँ से ओके करके और यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा, तो आप देखेंगे ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो दूसरे टेबल से फेच कराने वाली बात थी डेटा को, वो हो चुकी है। यहाँ पर देखिए जो रोल नंबर वहाँ पे एंटर होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है, यानी पूरा का पूरा डेटा उसी टेबल से फेच होगा, ठीक है। तो अगर दो ही स्टूडेंट हैं तो दो ही आएगा, जितने स्टूडेंट टेबल वन में होंगे वही यहाँ पर आएगा, ठीक है, कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मार्क्स आप डालेंगे तो टोटल अपने आप होएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, यही तो हम चाहते थे कि हमको दोबारा ये नाम एंटर ना करना पड़े, हम यहीं से सेलेक्ट कर लें, तो ये यहाँ से आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, टेबल वन में जो जो चीज़ें अपडेट होती जाएंगी ये इसमें भी अपडेट होता जाएगा। थ्री करते हैं, गौरव एक और नाम लिख देते हैं, और यहाँ पर जो भी मार्क्स इनके आए हैं वो मार्क्स डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया, अब ये चौथा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 34 पहले तो नाम देंगे, यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे नाम लिख देते हैं एक, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो भी नाम अपडेट हुए हैं वो टेबल टू में भी अपडेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ रिफ्रेश पर क्लिक कीजिएगा तो आप देखेंगे कि जो भी नाम अपडेट किए गए थे, देखिए थ्री वाला डेटा भी आने लगा इसमें, क्या होता है यहाँ पे देखिए फोर डेटा दिखाई देने लगे, तो यहाँ पे फोर्थ जो भी है वो यहाँ पे आएगा, देख रहे हैं, ये फोर्थ वाला जो भी रिकॉर्ड है उनका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप दूसरे टेबल से डेटा फेच करा सकते हैं। एक चीज और है, एक आप हाइपरलिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, कैसे इस्तेमाल करेंगे वो अगले वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ कैसे एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना है ये भी बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।